आगे कभी जानो दुनिया जानो 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 दुनिया जानो जानो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? हमारा बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट कुतुबनामा, बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। आज का टॉपिक जिस तरह पिछले हफ्ते बिलाल भाई हमने कहा था, ख्वाब और उनकी अहमियत के हवाले से मैं चाहूंगी और उनकी ताबीर के हवाले से बात करना चाहेंगे। अच्छा बिलाल भाई, सिगमंड फ्रॉयड अ वेरी ह्यूज नेम, अ बिग नेम साइकोलॉजिस्ट, उनका ये कहना था कि जो हमारे ख्वाब होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस और डिजायर्स की रिफ्लेक्शन करते हैं या आकासी करते हैं। आप इस बात को कैसे करेंगे? मेरे ये बात जो है ये बहुत से दोस्तों को पसंद नहीं आएगी। साइकोलॉजी और साइकाइट्री दोनों को अगर इकट्ठा कर लें 2010 में तो ये नॉर्मल को डिफाइन नहीं कर सकते। अब अगर इन सोशल साइंसेज में नॉर्मल की डेफिनेशन नहीं होगी तो ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई लिटमस ऐसा क्रिएट किया जा सके जिससे कि पता चल सके कि इस जीरो लेवल बेंचमार्क से ऊपर और नीचे क्या मामलात हैं। इसीलिए अगर आप गौर करें तो बहुत से जो मामलात हैं वो क्लेम के ऊपर जज करता है डॉक्टर। अगर क्लेम को आप चेंज कर देंगे तो डॉक्टर का जो डायग्नोसिस है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। जब आप किसी मजहबी आदमी से, मसलन इस्लाम के अंदर हमारे बहुत से ऐसे उलमा हैं, बहुत से ऐसे सूफी गुजरे हैं जिन्होंने ख्वाबों पे बहुत काम किया, आप जब इनसे बात करेंगे तो ये आपकी क्लेम के ऊपर अपनी जजमेंट को डिटरमिन नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से दोस्त जब बात करते हैं तो वो शायद इस बात को शायद एक हद तक शायद अखलाक है भी नहीं, एग्रेसिव फील करते हैं कि जब उनसे कहा जाए कि मुझे आप ये चीज़ें ना बताएं। सो लेट्स गेट इनटू द रियल इशू। सेगमेंट फ्रॉयड के यहाँ अगर आप देखें तो सारा का सारा मामला जो है वो एक रिसेसिव थॉट के ऊपर बेस्ड है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। लेकिन अगर अमाम तरीन को देखें इस तरफ और अमाम इब्ने सीरीन को देखें तो इनके यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट है। एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप सिगमंड फ्रॉयड को और इमाम इब्ने सीरी को मैं मिक्स करके आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप सिगमंड फ्रॉयड को ये बताएंगे कि मैंने ख्वाब में पानी देखा तो वो इसको सेक्सुअल मॉर्बिडिटी से एसोसिएट करेगा। अच्छा, अगर आप यही ख्वाब जो है पानी का ये इमाम इब्ने सीरी को बताएंगे तो वो इसको ताकत से एसोसिएट करेंगे। बिलाल भाई जल्दी से एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर एक सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग वो मैं पूछूंगी आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सुबह बखैर उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सेम टू यू। मैं जी बिलाल साहब से मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। कीजिए। बिलाल साहब से मैंने पूछना क्वेश्चन है कि मैं अपने मेरा कोई भी काम, स्पेशली जॉब के मामले में ना, कोई भी काम जिसमें मैं एफर्ट करता हूँ पीक लेवल पे चले जाता हूँ मगर वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है और कुछ समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम हो जाता है। कि मैं मुझे कुछ कोई तस्वीर ऐसी बताएं या कोई मुझे इसका बताएं कि क्या क्या हल है। उस्मान पहले आप तस्वीर लिख लो, फिर एक कमेंट को आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। तस्बीह जो आप पढ़ा करो वो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला की या जल जलाले वल इकराम और या वली या नसीर, ये तीन तस्बीहात आप हर वक्त पढ़ा करो। जो कमेंट मैं कर रहा हूँ आपको, ये आपको तो आप इसको अपने पास रख लेना फिर इसके ऊपर सोचना। उस्मान आप अपने आप को ओवर असेस करते हो, आप की एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी प्रेपरेशन से ज्यादा होती है। इस पे आपको बहुत ज्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी, ओवर असेसिंग आपको अपनी जो है ना ये कम करनी पड़ेगी। ये तस्बीहात पढ़ो, आपको अल्लाह ताला बहुत सी कामयाबियां नसीब करे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा बिलाल भाई, वेरी इंटरेस्टिंग ये बात है ख्वाब के हवाले से बात करें। अक्सर ऐसा होता है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हमेशा हुआ है कि जब मैं बैठी हूँ, फारूक हैं और आप बैठे हैं और हम लोग जिस तरह बातचीत जो कर रहे हैं तो मैं पहले ही ख्वाब में देख लेती हूँ। अक्सर औकात ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसी डिस्कशंस हो रही होती हैं और मैं कहती हूँ कि यार ये तो मैंने ख्वाब में पहले देखा है, ये कैसे कि ये असल में हो रहा है, इस चीज को कैसे आप करें। हाँ कॉलर से बात करने के बाद लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बिलाल भाई से बात करनी है। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं आमना बोल रही हूँ कसूर से। आमना फ्रॉम कसूर, आमना बात कीजिए। बिलाल भाई से बात करनी है। जी जी कीजिए। करो करो। बिलाल भाई मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी बेटा बोलो। उनका नाम है उमर, मोहम्मद उमर। जी जी उनके ना कारोबार के बारे में पूछना था।
वो उनका कोई भी काम करते हैं ना, उनमें कामयाबी नहीं होती। चलिए कुछ बता दें। और छोटे भाइयों उमैर, उनकी जॉब का मसला है, उसके लिए प्लीज इन दोनों भाइयों को कहो कि लाहौल की तस्बीह पढ़ें, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला की, या सलाम या मोमिन या लाह की। आमना, अपना टेलीविजन सेट का मॉनिटर प्लीज ऑफ कर दें आप, वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी बिलाल भाई। या सलाम या मोमिन या अल्लाह की दूसरी तस्बीह, और तीसरी तस्बीह पढ़ें या रहमान या रहीम या करीम। पहले भाई के अंदर जो आपके बेटा मसला है वो है गुस्से का, वो टेम्परामेंटली बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, एकदम उसका शॉर्ट सर्किट होता है, वो गुस्से में आता है। दूसरा भाई जो है वो बिल्कुल उल्टी तरफ है, वो जरा स्लो है, वो जरा जैकपॉट के इंतजार में जिंदगी में ज्यादा, और मेहनत से वो दिल चुराने वाला है। इसलिए आप इन दोनों से कहो पहले ये तस्बियां करें, और फिर इनको पैम्परिंग दोनों को ना करो। पैम्पर्ड उमर और उमैर जो हैं ये अच्छे उमर उमैर नहीं होंगे, आप इनको अपने तजर्बात से सीखने दो, अल्लाह आपको बहुत आसान। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाहिद कर रहा हूँ कॉलोनी से। जनाब प्रोग्राम इतना अच्छा दिन ब दिन होता जा रहा है, और आपकी चमक दमक भी जो है माशाल्लाह जो है अरूज पे है। बहुत शुक्रिया फरूख भाई। और सुंदर जो है वो भी माशाल्लाह बड़े स्टाइलों में। और एक तो सवाल का जवाब है आहन जी। अच्छा सवाल का जवाब है आहन, ओके। और बिलाल भाई से बात करनी है जी। जी कीजिए ना बिलाल भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जाहिद मेरा नाम है। तो अल्लाह ने 5 बेटियां मुझे दी हुई हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ उनको कबूल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जिंदगी में महसूस कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा क्राइसिस आजकल चल रहा है पैसों के हवाले से। एक मकान शुरू किया था, दरमियान में ब्रेक हो गया, और थोड़ी सी आगे बनना तो अनायास अल्लाह तला की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जारी है, और दिन रात जिसे बात हो रही है और जिंदगी है और एहसास है सब ये उसकी रहम से जारी है ना। बस कुछ ऐसा बता दीजिए जिसमें मामला जो है वो थोड़े इसी तरह एलपीजी बेशक चलते रहे। जाहिद अगर आप मुनासिब समझें तो या जल जलाल की तस्बीह पढ़ा करो, या जल जलाल वाले कराम जी, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला जी, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह जी, ठीक है। ये तीन तस्बीहात पढ़ा करो जाहिद। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले सकते हो, और आपके अंदर कैपेसिटी है बहुत सा स्ट्रेस रिटेन करने की अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने आपको बड़ी एक तौफीक दी है, लेकिन डॉक्टर साहब आप इस बात को भी याद रखें कि हर चीज की एक कैपेसिटी की लिमिट भी होती है। सो कभी भी अपने आप को उस लिमिट को स्ट्रेच नहीं करते। ये तस्बीहात जो हैं ये इसके अंदर बहुत सी कैपेसिटी में और स्पेस क्रिएट करेंगी इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह इस रिस्क में भी बहुत ज्यादा बरकत पड़ेगी। अच्छा थैंक यू सो मच बिलाल। टाइम हमारे पास थोड़ा है, एक तो सुंदर का सवाल रह गया, और बिलाल भाई अगली दफा के लिए एक और सवाल आपको दूंगा। मैं ये पूछना चाहता था, बहुत से कॉलर्स हमें मिलते हैं वैसे भी आम लाइफ में, तो पूछते हैं कि आप जो तस्बीहात देते हैं ये 3 या 4 जो हैं उनके अंदर ही आप मतलब हर एक को इसी पे एडवाइस करते हैं, लाहौल वाला कुव्वत या सलाम या मोमिन या अल्लाह या जल जलाल वाल इकराम या रहमान या रहीम या करीम। तो ये जानना चाहूँगा कि क्या इसका कोई ख़ास है कि इन 4-5 में सारे मसाइल का हल या तदराक होता है, या इसके अलावा भी वज़ाइफ या तस्बीहात हैं? एक मिनट है बात कैसे चलें। बिल्कुल देखो पहली बात तो ये कि इंसान की तकरीबन 26-27 इमोशंस हैं, सारा प्ले जो है ये इन्हीं इमोशंस में से है। सो इंसान के जो बुनियादी इमोशंस का जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना ये भी एक्चुअली बहुत परसिस्टेंट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे जा रहा है। अगर आप 100 कॉलर्स से मसाइल लेंगे ना तो उनमें से 90 कॉलर्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आइडेंटिकल कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं इस वजह से, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो तस्बीहात हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं जो कि आपके टेम्परामेंट को एडजस्ट करती है। जब आप इससे अगला कदम उठाएंगे नॉर्मेलिसी पहले अटेन कर लें, फिर अगला जब आप कदम उठाएंगे तो फिर अगला मामला चलेगा। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक, हम यू गए और यू वापस आए। जादू, 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 जादू,